आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, वचन दिया था कि आज से आपको बिहार एसटीईटी के लिए संस्कृत विषय की चर्चा होगी और आज से संस्कृत विषय के विदुषी कुमारी वंदना आज क्लास लेंगी। आपको यह जान करके बड़ी खुशी होगी कि ये आपको संस्कृत हाई स्कूल की प्राचार्या हैं, साथ में साहित्याचार्य की हुई हैं, प्रथम श्रेणी से अच्छे अंकों से पास की हुई हैं और साथ में शिक्षा शास्त्री जिसको हम लोग बीएड कहते हैं, संस्कृत माध्यम से बीएड करना और जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से यह बीएड की हुई है जिसको शिक्षा शास्त्री कहा जाता है, संस्कृत विषय लेकर के की है और इनका परिवार जो है संस्कृत विद्वानों का परिवार है। इनके दादाजी पंडित केदारनाथ पाठक जो हैं मर्मज्ञ संस्कृतज्ञ थे और ससुराल पक्ष में जो इनके दादाजी थे वह आपको पंडित ईश्वरनाथ झा जो महान वैयाकरणी और नैयायिक थे जो आपको नवाणी कॉलेज संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना के साथ साथ इन्होंने शिष्य परंपरा को कायम किया जिसमें आपको विद्यावाचस्पति आपको डॉक्टर विद्यावाचस्पति पंडित कुलानंद मिश्र, विद्यावाचस्पति पंडित रामचंद्र मिश्र, विद्यावाचस्पति पंडित नवनारायण झा के इनके शिष्य परंपरा में थे। पंडित आपको कई पंडितों और कई महान विभूतियों को इन्होंने पढ़ाया और एक संस्कृत परंपरा को जन्म दिया। ये जिस गांव में निवास इनका स्थल है वो बिहार के मूर्धन्य विद्वानों का केंद्र है जहां आज भी सैकड़ों विद्वान संस्कृत विद्वान रहते हैं और विभिन्न हाई स्कूल कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने एक कई पुस्तकों की रचना की, कई पुस्तकों की भूमिका लिखी और कई पत्र पत्रिकाओं में लिखी हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी एक पुस्तक जो शिवहर का इतिहास है जिनका इन्होंने लेखन कार्य किया है, संजोग से उसका संपादन करने का मुझे सौभाग्य मिला, वह बिहार के मंत्रमंडलीय सचिवालय विभाग राजभाषा के द्वारा उस पुस्तक के प्रकाशनार्थ 30,000 रुपया सरकार के द्वारा एक सम्मान रूप में दिया गया। तो यह आज का जो विषय है वान भट्ट के व्यक्तित्व और कृतित्व उस पर आज आप सुनेंगे कुमारी वंदना से, जो उनका हम आज स्वागत करते हुए प्रणति आईएएस चैनल उनका स्वागत करती है, वंदन करती है। वो आए आज क्लास लें और मैं इस प्रणति आईएएस के तरफ से उनको स्वागत करते हुए उनका हम अभिवादन करता हूं। चलिए मैडम ये लीजिए। नमो नमः, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रही हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं जो इस बार जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी 2020 को वो रद्द कर दिया गया है, तो और उस परीक्षा को पुनः फिर से लिया जाएगा तो उसके लिए फिर से तैयारी करनी होगी। अब रही बात परीक्षा, परीक्षा का तो अर्थ ही होता है दूसरे की इच्छा, हमारे हिसाब से तो होना नहीं है, तो तैयारी करनी है। तो उसमें आपको जो उसका सिलेबस है तो पिछली बार का छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, और वैसे भी क्वेश्चन कैसे आएंगे अब तो जो बनाएंगे वो जाने, तो वैसे है कि ये नवम एवं दसम का जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग देखते रहेंगे और साहित्य से रहेगा क्वेश्चन, और साहित्य में जितने भी संस्कृतज्ञ हुए वो सब आपको पढ़ना है। जैसे कि हमारे बिहार से बाणभट्ट जी हैं, कालिदास जी हैं, मंडन मिश्र जी हैं, उदयनाचार्य हैं, इन सबों को
जो भी उनका ग्रंथ है सब हम लोगों को अध्ययन करना है। तो चलिए आज हम एक लेके आए हैं बाणभट्ट जी की कुछ रचनाएं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जस्ट एक चर्चा कर रहे हैं। आज का प्रथम क्लास है, ठीक है। आज हम आप लोगों को जो बाणभट्ट जी के व्यक्तित्व के बारे में पहले शुरू करते हैं, उनका जो ग्राम है वो प्रीतिकूट सोन नदी के तट पर है, जो प्राचीन हिरण्यवाहु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उनका गोत्र जो था बाणभट्ट जी का वो वत्स है। उनके वंशावली के बारे में भी जान लें, उनकी वंशावली में पितामह जो पाशुपत जो हुए सो उनके प्रपितामह, ये आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग लिख भी दिए हैं, परदादा दादाजी, परदादा मतलब हो गए, वो परदादा समझ गए होंगे आप लोग, अर्थपति पितामह, पितामह हो गए अपने दादा, पिताजी के पिता। और इनके साथ कुछ हुआ यूं कि चित्रभानु जो इनके पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई, वो तब हुई जब बाणभट्ट जी मात्र 14 वर्ष के थे। उनकी माता जी का भी वही हुआ, माता जी जो राजदेवी जी थी बाणभट्ट जी की माता जी, उनकी मृत्यु इनके बाल्यावस्था में ही हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी जान ले कि उनका ससुराल पक्ष जो था उनके बारे में भी जान ले। तो ससुर मयूर जो थे, ससुर जी का नाम मयूर था, वो मयूर जो थे सो सूर्य शतक के रचयिता थे, ठीक है। और उनके गुरु जी थे, ये बाणभट्ट जी के जो गुरु थे वो श्यामल थे, गुरु श्यामल थे, ऐतिहासिक गद्य काव्य के प्रथम नेता भी थे, ठीक है। सम्राट हर्ष का उपनाम शिला दित्य है, हर्ष चरितम सभ्यता का विश्वकोश भी कहा जाता है। आप लोगों की सुविधा के लिए सब कुछ हमने पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोग, हम समझा रहे हैं किसे देख भी ले, ठीक है। कादम्बरी की उपजीवी ग्रंथ जो है गुणाढ्य का बृहत कथा है, ठीक है। और सातवाहन शासक के हाल दरबार में रहते थे गुणाढ्य, और बाण जी की जो कादम्बरी है क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, बुद्ध की बृहत कथा लोक, सोमदेव की कथा सरित सागर, ये सभी जो है गुणाढ्य की जो है उसी के अंतर्गत आते हैं ये सभी, ठीक है, ठीक है। अब इतना तो आप लोग समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब हम इधर आते हैं बाणभट्ट जी के कृतित्व के बारे में। याद ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाणभट्ट जी आरा के थे, ये हमारे बिहार के आरा निवासी थे, और ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में राज कवि थे। और इनकी जो क्या कहेंगे इसको, इन्होंने अपने राजा पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो हर्षवर्धन राजा जो थे उन्हें ही ग्रंथ लिख डाली, इनसे अपने राज कवि से प्रभावित होके उन्होंने ही ग्रंथ लिख डाली। अब बताइए, अब हो गया कि ये बाणभट्ट जी के जो ये है ग्रंथ है आख्यायिका, इसका मतलब होता है कि जिसमें ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया हो उसको बोलते हैं आख्यायिका, तो वो है हर्षचरितम। और बाणभट्ट जी की जो ये ग्रंथ है उसको हम चार भाग में बांट सकते हैं, जो हम सब कुछ सुविधा के लिए पहले से ही लिख दिए कि आप लोग देखते भी रहे। बाणभट्ट जी की रचना, ठीक है, ये हुआ कथा काव्य नाटक। आख्यायिका के बारे में तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। अब हो गया कथा, तो कपोल कल्पित, इसका मतलब होता है जो कल्पना पर आधारित है, जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं और उसके आधार पर हम लोग लिखेंगे, तो वो है कादम्बरी, कथा कल्पना पर आधारित बाणभट्ट जी की है कादम्बरी। और ये जो काव्य है चंडी शतक, ये माँ दुर्गा से है, माँ दुर्गा ये 102 श्लोक में है ये। और शिवधारा छंद, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस छंद में है, ऐसा होता है, तो ये हो गया आपको शिवधारा छंद एवं महिषासुर मर्दनी माता की प्रार्थना है, ये बाणभट्ट जी की जो काव्य है चंडी शतक उसके अंतर्गत है। और हो गया नाटक, नाटक में विशेष तो कहने की जरूरत है नहीं, ये पार्वती की प्रणय कथा है, इसमें इस नाटक में पार्वती प्रणय की है। चलिए अब हम आते हैं आपको जो ये आख्यायिका ऐतिहासिक जो है इनका, इसमें ऐतिहासिक प्रमाण है, तो कुछ यूं जाने हम लोग हर्षचरितम, संस्कृत में पढ़ना है तो हर्षचरितम, ये जो है ये वीर रस है इनका, ये पूरा का पूरा जो इनका है वो वीर रस से ओतप्रोत है। और प्रक्षिप्त का मतलब होता है संक्षिप्त में भी कहानियां,
संक्षिप्त में है और वीर रस से है। और प्रथम जो इनका उच्छ्वास है उसमें है क्या, ये देख लीजिए, प्रथम ढाई उच्छ्वासों में बाण जी की स्वयं की आत्मकथा है, किसमें, हर्षचरितम में, और शेष राजा हर्षवर्धन और उनके परिवार से संबंधित बातें हैं। विघ्न पर्वत सूक्ष्म वर्णन के साथ साथ हर्ष की प्रस्थान करती हुई सेना एवं हर्ष के राज्यसभा का धार्मिक संप्रदायों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको एसटीटी का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था कि ये बाण भट्ट जी की, जो बता रहे हैं आपको, हमारे पास क्वेश्चन भी है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस ग्रंथ से वर्णित है, तो इसका अभी हम आप लोगों को बताया कि इसका जवाब क्या होगा, हर्षचरितम, इनमें हर्षचरितम में ये चीज है। और देखिए, शास्त्र पढ़ना इसलिए जरूरी है कि एसटीटी का क्वेश्चन हमने भी देखा है, उसमें एक क्वेश्चन है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था, तो जिन्होंने शास्त्र को थोरली नहीं पढ़ा उन्होंने लिख डालेंगे भरत, और जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है वो तो शास्त्रीय डालेंगे नाम सर्वधर्म, जो कि एकदम सही करेक्ट आंसर होगा। और जो भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो ऐसे कहीं से नहीं लिया गया है, वो ये हर्षचरितम पुस्तक आप लोग देख लें, इसका अध्ययन किया गया है, हम लोगों को अध्ययन का ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ जो है इनका अध्ययन करना है और करके ही पढ़ाना है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज का ये करेंगे। ठीक है, इतना तक तो आप लोग समझ लिए। अब रही बात की, और अब बची आपको ये कादम्बरी, तो आप लोग समझ लिए, कादम्बरी जो है ये तो आप लोग समझ लिए, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कादम्बरी जब शुरुआत हुई तो कुछ दिनों के बाद बाण भट्ट जी की मृत्यु हो जाती है। अब रही बात की पूरा कैसे होगा, तो उनके पुत्र ये पूर्व भाग बाण भट्ट जी खुद रचे, और उसके बाद हो गया ये उत्तर भाग जो हुआ, सो उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया, वो भी विद्वान थे जिनको पुलिन भट्ट भी कहा जाता है। और जहां तक मैं जानती हूँ कि बाण भट्ट जी के दो पुत्र थे, महेश भट्ट और पुलिन भट्ट, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वो भी तो उनके पुत्र थे सही है, लेकिन ये रचना जो पूरा किया वो है भूषण भट्ट। ठीक है, और ये जो है इनका ये कादम्बरी जो है इनको विश्व का पुराना ही सबसे पुराना उपन्यास माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग प्रथम उपन्यास माना जाता है, शांति से आप लोग इसको समझ लिया। ठीक है, अच्छा प्रथम उपन्यास कहा जाता है, और ये शांत रस वीर रस से ओतप्रोत है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में रीति पूछी जाती है, तो इनकी जो रीति है बाण भट्ट जी की जो रचना है कादम्बरी, उनकी रीति पांचाली है, और जो शतक का हमने बताया चंडी शतक का, उनका शिवधारा छंद है, और उच्छ्वास जो हमने आपको दिखाया कहीं पे समझाया अभी तुरंत, अच्छा ये जो है आठ उच्छ्वासों में विभक्त है, तो उच्छ्वास का मतलब होता है कि ये कहीं पे अंक दिया होगा, कहीं पे सर्ग दिया होगा, कहीं पे कांड, कहीं पे अध्याय, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये सभी एक ही चीज है। शब्दांबर, शब्दांबर का मतलब होता है कि बहुत बेहतर शब्द भंडार। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत, चूंकि आज पहला क्लास है आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, और साहित्य थोड़ा सा इंटरेस्ट जगने का चीज है, उसके बाद सब कुछ बहुत बढ़िया है। पांचाली रीति हो ही गया, और इसमें जो है ये कादम्बरी में ये दो चीज की आप ध्यान में रखिएगा कि अक्षोत सरोवर और सालमली वृक्ष की चर्चा की गई है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सालमली वृक्ष की चर्चा किस ग्रंथ में है, तो कादम्बरी, अक्षोत सरोवर का किस में चर्चा है किस ग्रंथ में, तो वो भी कादम्बरी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वर्णोच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी सर्वाचीन एवं सभी प्रकार का वर्णन किया गया है, ये कादम्बरी जो है बाण भट्ट जी की, इनमें सभी प्रकार का वर्णन किया गया है। तो संक्षिप्त में आज आप लोग पहला क्लास है, इतना समझ लिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग सहयोग देंगे तो आगे फिर हम देखते हैं कैसे पढ़ाऊं।